नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के अंदर आखिर क्या है? पानी और एक्वाटिक एनिमल्स के अलावा समुद्र अपने अंदर बहुत सी कीमती चीज़ें छुपाए हुए हैं। अक्सर गोताखोरों या सी डाइवर्स को समुद्र के अंदर सोना, चांदी, हीरे और मोती जैसी न जाने कितनी अनमोल चीज़ें मिला करती हैं, लेकिन ये सी डाइवर्स 350 मीटर से ज़्यादा समुद्र में नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाद पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ इंसान का जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर समुद्र में हमें और नीचे जाना है तो सबमरीन्स का सहारा लेना पड़ता है। एक एवरेज सबमरीन भी केवल 1000 से 1500 मीटर तक ही नीचे जा सकती है, लेकिन सबमरीन के साथ एक लूपहोल है, वो ये कि वो नीचे तो जा सकती है लेकिन वहाँ रुककर कोई भी कीमती चीज़ अपने साथ ऊपर नहीं लेकर आ सकती। शायद यही कारण है कि अब तक हम समुंदर का केवल 5% ही एक्सप्लोर कर सके हैं। ज़रा सोचिए कि जब समुंदर को 5% एक्सप्लोर करने पर ही हमें इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैसेज मिल चुकी हैं, तो अगर हम बाकी बचा हुआ 95% डीप सी एक्सप्लोर कर पाएँ तो और कितनी ही वैल्यूएबल चीज़ें हमें मिल पाएंगी। हम समुंदर के 95% अनएक्सप्लोर्ड रहस्यों को जान सकें, इसके लिए इंडिया ने एक डीप ओशियन मिशन की शुरुआत कर दी है। मिशन चंद्रयान और मंगलयान में सफल होने के बाद इंडिया ने अब मिशन समुद्रयान की शुरुआत की है। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें 5 सालों का वक्त लगेगा, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से ऑलरेडी हो चुकी है। इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डीप ओशियन में फ्रेश वाटर और एनर्जी सोर्सेज को ढूंढना है। इंडियन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि समुद्र में जो खारा पानी है वो सिर्फ शुरुआती 6000 मीटर तक है, उसके बाद सी कोस्ट के नीचे हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं तो हमारे देश में पानी की समस्या हल हो सकेगी। समुद्रयान के रूप में जो सी व्हीकल समुद्र के अंदर जाएगा उसका नाम मत्स्या 6000 है। मत्स्या एक खास किस्म का सबमर्सिबल है जो सबमरीन से 3 times डीपर पानी में जा सकता है। मत्स्या को बनाने और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कॉस्ट 4000 करोड़ से भी ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मत्स्या को बनाने का जिम्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ साथ DIDO और इसरो के साइंटिस्ट के पास है। मत्स्या को बनाने के लिए खास किस्म के टाइटेनियम अलॉय का यूज़ किया गया है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि मत्स्या डीप ओशियन में 600 मीटर या 6 किलोमीटर अंदर तक जा सकेगा। दोस्तों, अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद हम 6ठे ऐसे देश होंगे जिन्होंने इस तरीके का डीप ओशियन मिशन किया है। फ्रेश वाटर के होने के अलावा साइंटिस्ट का ये भी दावा है कि भारत के आसपास का जो समुंदर है उसमें 92 मेट्रिक टन पॉलीमेटेलिक नोट्स हैं, यानी वहाँ भारी मात्रा में मिनरल्स, गैस, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम जैसी कीमती रिसोर्सेज मौजूद हैं। पॉलीमेटेलिक नोट्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं जो समुंदर की सतह पर होते हैं। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का मानना है कि अगर हम डीप सी मटेरियल को ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका उपयोग करके हम आने वाले 100 सालों तक एनर्जी बना सकते हैं। अगर दोस्तों हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो इंडिया अकेला ऐसी कंट्री होगा जिसने एयर एंड वाटर दोनों में इतनी कम कॉस्ट पर मिशन को सक्सेसफुल पूरा किया है। गवर्नमेंट की माने तो हम दिसंबर 2024 तक इस मिशन को पूरा कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।